तो दोस्तों अगर आप लोग बाहरीन देश में हेल्पर से आ रहे हैं तो कितना में आना चाहिए और आपका बेसिक सैलरी कितना रहना चाहिए, और अगर आप लोग मान लीजिए कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, तो किस ट्रेड में अगर आप लोग आइएगा तो अच्छा मतलब रहता है, हेल्पर से भी और अच्छा रहेगा, आपको भी यानी आराम मिलेगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा। अगर मान लीजिए कि आपका एजेंट इतना बोल के भेज दे रहा है, आपको मालूम नहीं मतलब रहता है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा इतना मतलब सैलरी मतलब बाहरी में जो मिला है इंडिया में इतना बनेगा। तो इन्हीं सारे टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो जाइए अपने भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि गल्फ से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट और प्यार दीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को मतलब अच्छी से अच्छी मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी कंट्री का यानी किसी भी गल्फ का, सऊदी, ओमान, दुबई, कतर या बहरीन, अगर आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है उससे मतलब रिलेटेड, तो अपने भाई के चैनल पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई जरूर कमेंट कर रिप्लाई देगा और आप लोगों को जरूर बतलाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हेल्पर से अगर आप लोग आ रहे हैं बहरीन देश में, तो आपका मतलब कितना बेसिक सैलरी रहना चाहिए? तो आपका यानी 80 या ना तो 90 बीडी रहना चाहिए। 80 और 90 बीडी में क्या है दोस्तों? तो 80 बीडी जो होता है यानी इंडियन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी 16,000 रुपया होगा, हो गया मतलब, ठीक है। अगर 90 बीडी आपका अगर बेसिक सैलरी लग रहा है तो आपका इंडियन मनी कितना हो जाएगा? तो 18,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो आपका ओवर टाइम चलेगा तो यानी कुल यानी टोटल लेकर यानी 115-20-25, अगर आप लोग 90 पे आ रहे हैं तो 20-30 आपका यानी 120-30 बीडी तक आपका बेसिक सैलरी बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर आपका कंपनी खाना का पैसा देगी, ठीक है दोस्तों, तो 20-25-30 बीडी दे सकती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे जितना मतलब खाना का पैसा है सबसे कम यानी 20 बीडी है दोस्तों, हाईएस्ट यानी 30 तक है, ठीक है दोस्तों, तो कंपनी को भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि खाना का पैसा यानी जो कंपनी है वो खाना दे रही है आपको, तो और अच्छी बात है दोस्तों, आपका यानी 20 से 30 बीडी तक आपका यानी बेसिक सैलरी आराम से बन जाएगा ओवर टाइम करके और फ्राइडे करके। अगर मान लीजिए कि आप यानी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, यानी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो कौन सा ट्रेड में आइएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यानी पढ़ना लिखना आता है तो आप फायर वॉच में आइए, उसमें भी बहुत अच्छा है दोस्तों। स्टोर कीपर में आइए, उसमें भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ऑफिस बॉय में आइए, उसमें भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस ट्रेड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको यानी आराम का काम है दोस्तों, हेल्पर में ना आकर इसमें आप लोग आइए, बहुत अच्छा है, इसमें सैलरी भी मिलता है और ओवर टाइम भी इसमें दोस्तों चलता है। अगर आप लोग इस ट्रेड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस मतलब जो होता है पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो मतलब इस ट्रेड में आइए, बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर हेल्पर में आ रहे हैं तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हेल्पर का जो काम होता है वो यानी बाहर का काम होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत यानी मेहनत होता है दोस्तों, हेल्पर तो हेल्पर ही होता है। और एक बात और आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग किसी ट्रेड से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों, इंडिया में जाइए आप लोग, कहीं से आप लोग काम सीख कर आइए, काम सीख कर आइएगा तो आप लोग ज़्यादा पैसा कमाइएगा और अपने घर पर भी ज़्यादा पैसा मतलब भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हेल्पर से यहाँ पे आ गए, अगर आप यानी दूसरा कंपनी में दूसरा काम में जाना चाहते हैं, हेल्पर से हैं तो दूसरा काम में जाना चाहते हैं मेसन में, तो कुछ दिन आप लोग काम कीजिए, अगर आपका अच्छा अगर क्रेडिट रहेगा, आप अच्छा मतलब काम कीजिएगा तो आप यानी हेल्पर से किसी दूसरे भी काम में यानी काम कर सकते हैं। ऐसा मतलब होता है गल्फ में दोस्तों, ये नहीं है कि मान लीजिए कि अगर आप लोग जिस ट्रेड में आ रहे हैं वो ट्रेड आपको यानी चेंज कर दिया गया, उसी मतलब समय चेंज किया जाता है। अगर आप लोग अच्छा काम जानते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप यानी काम पे ध्यान दे रहे हैं, कोई भी काम है वो मतलब आप लोग सीख ले रहे हैं जल्दी, तो सुपरवाइजर जो होता है आपको यानी जरूर वो हेल्प करेगा, यानी वो काम दूसरा मतलब सिखा सकता है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग हेल्पर में आ रहे हैं तो एक बात और है दोस्तों कि यहाँ पे काम सीखने का बहुत मौका मिलता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पर गल्फ में आप लोग आसानी से भी काम सीख सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि वेल्डर का हेल्पर में आ रहे हैं या मेसन का हेल्पर में या प्लम्बर का हेल्पर में, तो आपको यानी काम सीखने का यानी बहुत मतलब चांस मिलता है, यहाँ पे बहुत चांस मिलता है दोस्तों अगर हेल्पर में आइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब काम सीखिएगा, ठीक है दोस्तों। और आइएगा दोस्तों, तो आप लोग ये भी मतलब कोशिश कीजिएगा कि जो आपका इंटरव्यू होता है तो यानी ज्यादा सैलरी आपका लगना चाहिए। अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि मेरा आपका यानी 80 बीडी बेसिक सैलरी है या 90 बीडी सैलरी है बाहरी देश का, तो आप लोग जानेंगे कैसे, उसका मतलब एक सोल्यूशन होना चाहिए ना। तो आपको यानी जिस कंट्री का अगर करेंसी जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए यानी टच कीजिए और किसी भी कंट्री का यानी आसानी से मतलब आपका जितना भी बेसिक सैलरी लग रहा है यानी चेक कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं कि मेरा बेसिक सैलरी कितना बनेगा इंडिया में। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी यानी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए अपने भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि बहरीन से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।